सुबह बखैर बीजान। टाइम देख रही हो, क्या हुआ है? तुम्हें पता है मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, और तुम्हें यह भी पता है कि जिस वक्त मैं उठती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे जूस का ग्लास और अखबार फौरन मेरे कमरे में मौजूद हो। बीजान, आज सुबह मेरे शोहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए क्वार्टर से निकलते निकलते देर हो गई। ये तुम्हारे ज़ाती मसाइल मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस घर के जो असूल हैं वही रहें। माफी चाहती हूँ बीजान। तुम्हें पता है इस लफ्ज़ से मुझे किस कदर ज़्यादा नफरत है। तुम ऐसा काम करती क्यों हो कि तुम्हें माफी मांगनी पड़े? फिर जाओ। कुलसुम, कुलसुम उठ जाओ। कुलसुम उठती हो या आके लगाऊं एक तुम्हें? तुम उठती क्यों नहीं हो? क्या हुआ, 7 बज गए? हाँ। क्या? या अल्लाह खैर। करो याद अल्लाह को, क्योंकि अब वही बचा सकते हैं तुम्हें बीजान के कहर से। अब घबराने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो चुका। तुम जल्दी तैयार हो के मुंह हाथ धो के आओ, मैं बीजान को संभालता हूं। आज देर नहीं होगी, 7:30 होगी। मैं जानबूझ के देर से उठी। आज असद के स्कूल में फनफेयर है, इसे स्कूल देर से भेजूंगी। मैं असद के स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो बी जान के बनाए हुए टाइम टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हें कुलसुम भाभी के साथ किचन में होना चाहिए था। सबके सब आ जाते हैं नाश्ते की टेबल पर। जाओ, आप मैं आती हूँ। मैं बी जान के असूलों को मानूं या ना मानूं, उनके माथे की शिकने कभी कम नहीं होंगी, और मुझे कुलसुम भाभी की तरह उनकी गुड बुक्स में आने का कोई शौक नहीं। और प्लीज शफकत, मेरी मर्जी में जब मर्जी नाश्ता बनाने जाऊं। तुम शायद बेहिस हो चुकी हो हर रोज बीजान की डांट फटकार सुनकर, लेकिन मेरा दिल पत्थर का नहीं है कि मेरे सामने हर रोज मेरी बीवी की बेइज्जती हो और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूं। सादिया, तुम जानती हो कि मुझे कितनी तकलीफ होती है ये सब कुछ देखकर। तो आप भी अपने भाई की तरह बेहिस हो जाएं, जिन्हें अपनी बीवी की बेइज्जती देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। रहमत भाई बेहिस नहीं है, एक्चुअली उन्हें मोहब्बत ही नहीं है अपनी बीवी से, और ना ही कोई हमदर्दी। अच्छा चलें, बाहर चलते हैं। आदाब बीजान, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊं। आपके नाश्ते का वक्त निकला जा रहा है। नाश्ते का वक्त भले निकला जाए, मेरे घर के कुछ असूल हैं। मेरे घर में मैं मुलाजमों के हाथ का पका हुआ और पेश किया हुआ खाना नहीं खाती। हमारे घर में खाना खिलाना और पेश करना बहुओं का काम है। इस घर में भले 10 नौकर हों, लेकिन 2 बहुएं भी तो हैं। जाओ। जी।
गुड मॉर्निंग बीजान, सुबह बखैर। माजरत चाहता हूँ, आज थोड़ी सी देर हो गई। देर थोड़ी या ज्यादा नहीं होती, बस देर होती है। मैंने बचपन से तुम लोगों को वक्त की अहमियत के बारे में नहीं सिखाया? जो वक्त की अहमियत का एहसास नहीं करता जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, सॉरी बीजान। मेरा मतलब है आइंदा ऐसा नहीं होगा। असल में बात यह है कि कुलसुम इतनी सुस्त और काहिल औरत है कि उसकी वजह से रोजाना मुझे देर हो जाती है। तुम्हारे कहने का ये मकसद है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुस्त और काहिल बीवी का इंतखाब किया? क्यों, यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हारे लिए किसी सुस्त काहिल और कमसूरत लड़की का इंतखाब तो कर सकती हूँ शायद, लेकिन बरादरी से बाहर किसी का इंतखाब नहीं कर सकती। ये दोनों बहुएं जैसी भी हैं, इन्होंने इस घर को जोड़ के तो रखा हुआ है, और ये हमारी अपनी जात बिरादरी की है। जी जी बीजान, आप ठीक कहते हैं। अरे आज तुम्हें भी देर हो गई ना मेरी तरह। मेरा तो अभी तक बीजान से सामना नहीं हुआ, लगता आज मेरी खैर नहीं है। वैसे भी भाभी, कौन सा दिन हमारा खैर साबित हुआ इस घर में? बीजान की तो आदत है सबका गुस्सा हम बहुओं पर उतारने की। हमसे अच्छे तो इस घर के नौकर हैं, और बाहर वाले समझते हैं कि हम इस घर में बहुत खुश हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं। अब तुम छोड़ो इन बातों को, अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी बहुत सबसे अच्छी है। आप तो यही कहेंगे, सारे इख्तियारात आपके शौहर ने जो संभाले हुए हैं। दिमाग मेरे शौहर का इस्तेमाल होता है, क्रेडिट आपका शौहर ले जाता है। तुमने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं तो। अच्छा तुम ही लेके चलो, मैं आती हूँ ये लेकर। वैसे बीजान आप देखिएगा, इस बार मैं दोनों प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड टाइमिंग में ख़त्म करने वाला हूँ। हमारी कंपनी का ग्राफ आसमान से बातें करने वाला है इंशाल्लाह। वेरी गुड। तुम में कोई और खासियत हो ना हो रीमू, ये ज़रूर है कि तुमने बिजनेस बहुत अच्छा संभाला हुआ। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। वैसे अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो बहुत खुश होते तुमसे। मैं सोच रही हूँ कि वो जो रायविंड वाला हमारा फार्म हाउस है वो मैं तुम्हें प्रेजेंट दे दूँ। Oh, that's so sweet. Thank you, baby. Thank you. शफकत, कुछ खा रहे? अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो, और दफ्तर का भी कोई ख्याल नहीं रखते। ये सब सादिया का कसूर है। सादिया का इसमें क्या ताल्लुक है? आवाज नीची करो, इस घर में कोई आवाज ऊंची नहीं उठाता। तुम जानते हो इस घर में सफाई पेश करने की इजाजत किसी को नहीं है। एक मिनट, क्या इतना घी इसमें क्यों डाला हुआ है तुमने? तुम क्या समझते हो यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो सर में भी घी लगाते हैं और चेहरे पे भी मल लेते हैं? प्लीज। ज्यादा घी तो नहीं है, और ये तो देसी घी है, खालिस भाईजान के डेयरी फार्म से आया है, और आपकी सेहत के लिए तो जरूरी है, इतनी मेहनत मशक्कत जो करते हैं आप। मैं ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर बैठता हूँ, तुम्हारे भाई की तरह खेतों में हल नहीं चलाता जो मुझे इस खुराक की जरूरत पड़ेगी। चीजें खाका के तुम अपना हाल देखो, क्या कर लिया तुमने? 10 साल बड़ी लगती हो अपनी उम्र से, मुझसे भी बड़ी लगने लगी हो। Thank you.
आज 12 है, यानी कल नीमू का बर्थडे है। मेरे पास सिर्फ आज का दिन बचा है, मुझे जाना है। ये तो मामूल की रूटीन है भाग, और मामूल की रूटीन पे कोई रोया नहीं करता। वैसे रहमत ठीक ही कहते हैं, मैं ठहरी पुराने ख्यालात की औरत, मुझे क्या पता उनकी सेहत के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। भाभी आप भी कितनी सादा औरत हैं, ये तो इस खानदान का दस्तूर है। यहाँ बहुएं कितनी ही अच्छी क्यों ना हो जाए, हमेशा बुरी ही कहलाती हैं। जब बीजान हमें हमारे शौहरों के सामने झाड़ेंगी तो क्या खाक इज्जत रह जाएगी उनकी नज़र में हमारी। यहाँ औरतों के साथ नहीं, बहुओं के साथ बुरा सलूक होता, वरना बीजान को देख हैं तो वो बेवा, लेकिन 100 मर्दों पे भारी हैं वो, उनकी इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। और आयजा है तो उनके मरहूम भाई की बेटी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन आपने उसके ठाट देखे, ऐसे रहती है जैसे उनकी अपनी सगी पोती हो। और मेरा बेटा जो उनका अपना सगा पोता है, उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखती, क्योंकि इस घर में मेरे शौहर की कोई हैसियत जो नहीं है। मुझे तो लगता है कि आयजा इस घर की हकीकी वारिस है। ये तो अपने अपने नसीबों की बात है, और तुम एक बात मत भूलो, आयजा यहाँ तब से है जब इस घर में असद पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इस घर में चाहे कितने भी बच्चे क्यों ना हो जाएं, आयजा का मुकाम कोई नहीं छीन सकता। भाभी मुकाम और हैसियत इंसान को खुद बनाना होता है। कहने को तो 18-19 साल की लड़की है, लेकिन अंदर से इंतहाई चलाक और मक्कार है। आपने देखा नहीं कैसे घर के मर्दों के आगे पीछे फिरती है, सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है उसने। बस सारे असूल पाबंदियां झिड़कियां हम लोगों के लिए रह गई हैं। 9 बजने वाले और अभी तक वो अपने कमरे से नहीं निकली। ये नेमत 2 दिन से नजर नहीं आ रहा। उसका हाउस जॉब शुरू हुआ है, 2 दिन से हॉस्पिटल में है। हद हो गई, पता नहीं क्या जरूरत थी इसको ये काम करने की। पहले इतने साल पढ़ाई में लगा दिए, उसके बाद हाउस जॉब। भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है, बाप दादा की बिजनेस है, बिजनेस शुरू कर लेता, तुम लोगों के साथ काम करता। लेकिन पता नहीं क्या खुदाई खिदमत का ऐसे कोई भूत सवार था। चलें जो भी है, हमसे तो बेहतर ही रहा ना, कम से कम अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का मौका तो मिला इसे। जैसे तैसे करके भी उसने अपनी बात मनवा तो ली। क्या फायदा ऐसी मनमानी का जब ना दिन का पता है ना रात का। क्या 4 पैसे कमा लेता है उसका क्या फायदा हुआ। भाई अपने बाप दादा का इतना कारोबार है, आके वो संभालता, अपने भाइयों के हाथ में सारा कुछ दे दिया है। बेचारे रहमत को देखो, इसके कंधों पे कितना बोझ है। अरे बीजान मैं अकेला कहाँ हूँ, शफकत है ना मेरा हाथ बटाने के लिए, इतनी हेल्प करता मेरी। शफकत है तो सही, लेकिन जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है बेचारा, जरूर करता है लेकिन इसके पास की बात नहीं है, क्या करें। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आओ। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें कमरे में नाश्ता भिजवा देती हूँ। नहीं बीजा, मैं बस आज जल्दी उठी हूँ। अब रहमत भाई मुझे बाहर मार्केट जाना है, आप बस थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज मुझे ले जाएं। हाँ नो प्रॉब्लम, मेरे साथ चलो, ड्राइवर मुझे ऑफिस छोड़ देगा, उसके बाद मैं बता ले जाएगा। रेमू अच्छी तरह पता है तुम्हें कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि घर की औरतें या लड़कियां ड्राइवर के साथ बाजार जाएं या कहीं भी जाएं। बहुत मायूब बात है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि आज तुम कुछ काम छोड़ के इसको ले जाओ बाजार। क्यों नहीं बीजान, जैसा आपका हुक्म ऐसे हो जाएगा।
हेलो हेलो इतना थका हुआ है लो थक गया हाँ यार थक गया तू तो चिल्ड्रंस वार्ड में जाके बैठ की हो ना इमरजेंसी में होती ना मैं इधर फिर पता रखता लकी मी जस्ट यू अच्छा ये बताओ कि आज का क्या प्लान है तुम्हारा क्या प्लान होगा यार दो रात से जाग रहा हूँ जाऊँगा सोऊंगा 24 घंटे से पहले नहीं उठने वाला आई एम सो सॉरी क्योंकि आज रात भी ना तुम्हें अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी वो क्यों क्योंकि तुम आज रात 11 बजे नवीद के फ्लैट पर आ रहे हो हम सब ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है अरे यार किसी और दिन कर लेंगे पार्टी आज बहुत थका हुआ हूं यार कैन यू बी सो रूड तुम भूल गए ना आज रात 12 बजे 13th मार्च है इट्स योर बर्थडे फॉर गॉड से यार मैं तो भूल ही गया था इस दफा नो बहाना इस दफा तुम अपना बर्थडे हम सब फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो एंड स्पेशली मेरे साथ बहाना तो मुझे बीजान से करना पड़ेगा फिर से नाइट ड्यूटी पे सिर्फ बहाना बनाने वाली कौन सी बात है तुम उन्हें साफ साफ जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी है तुम नहीं जानती ना बीजान को उन्हें नहीं पसंद ये सब कुछ वैसे तुम्हारी बीजान को कौन सी बातें पसंद है नेमत हर बात पर तो तुम यही कह देती हो उन्हें ये नहीं पसंद नहीं वो नहीं पसंद अच्छा 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 अब बस करो ये मेरा मसला ना मैं कैसे आता हूँ लेट मी हैंडल दिस अब चलें थोड़ा सा सो लूँ चलो वैसे बाय द वे ये तो बताओ कि ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी जो सुबह सुबह तुम्हें बिस्तर से निकल के गाड़ी में बैठना पड़ा उसके बाद अब तुम बाजार जा रही हो शॉपिंग करने के लिए कोई खास बात है बहुत खास बात है लेकिन आपको बताकर अभी सारा सस्पेंस नहीं खराब कर सकती मैं अरे आपके तो पेट में कोई बात ही नहीं टिकती है क्या किसी बातें कर रही हो मेरा पेट बहुत मजबूत है सब कुछ टिकता है इसमें सिर्फ बहुत शैतान हो गए हो तुम और आप दिन ब दिन बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं रहमत भाई क्या बात है भाभी नंबर 2 लाने का इरादा तो नहीं खुदा का वास्ता ऐसा घर में किसी के सामने ये बात मत कर देना मेरी कमबख्ती ले आओगी तुम सिर्फ हैरान हो भी तुम कॉलेज में गई नहीं और हाल देखो तुम्हारा क्या धनी आगे जाके क्या करोगी हमारा तो डरते हैं कसम से तो एक बंदा है घर में जिसके सामने तुम बिल्कुल ठीक रहते हो खामोश अच्छा जी जी जब से इस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है तो ये तो बेचारा इस काबिल नहीं है कि बिजनेस संभाल सके